तो हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार। आई होप आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आए थे अपने प्लॉट पर भैंसों को खोलने के लिए। तो आज हमें वैसे भी बहुत काम सा है, बहुत ज़्यादा काम, मतलब यानी बहुत काम करना है। आज हमें जो गेहूँ होते हैं खेत में, उन गेहूँ में खाद मारना है। तो अभी तो हम प्लॉट पर आए थे, अभी थे हम नहाए थे, नहा के फिर बोला था थोड़ा प्लॉट पर जाए और मतलब भैंसों को लेके आए। तो भैंसों को हम बांध देंगे पहले, तो फिर खाद को लेंगे घर से और फिर अपने गेहूँ में लगाने जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत टहल लें, क्योंकि हमारा खेत है यहाँ पर, बरसती है उसमें गाय वगैरह आती है, इसलिए हम अभी थोड़ी देर लगाएंगे भैंस ले जाने में। अभी तो ले नहीं जा रहे, लेकिन आपको दिखा दूँ, ये पीछे जो आपको दिख रहा है वो पंचायती घर है जो सभी गाँव में बना हुआ है। तो मेरा प्लॉट है जो पंचायती घर के पास ही, और मैं अपनी भैंसों को घर की तरफ ले जाऊँगा। तो मैं भैंस की तरफ जा रहा हूँ खोलने के लिए। देखो ये आगे जो दिख रही है जगह, वो मेरी भैंस है उस प्लॉट में, और जिसमें मैं जा रहा हूँ ये मेरे पड़ोस का प्लॉट है, पड़ोस वाले का। तो मैं पहले तो खोलूँगा अपने पड्डे को। तो ये पड्डा है, अगर पहले भैंस को खोल दूँ तो फिर पड्डा साला दूध पी लेता उसका। तो सबसे पहले तो पड्डे को खोलूँगा, तो उसके बाद मैं भैंस को खोलूँगा। देखो भैंस मैंने खोल दी है और आगे आगे चल रही हैं भैंस, और काम की तरफ जा रहे हैं हम। तो मैंने भैंस तो खोल दी, मैं इनको ले जा रहा हूँ जल्दी जल्दी से घर की तरफ। आगे से मोड़ है तो मैं जाऊँगा फिर खेत पर। सो फाइनली गाइस, मैं घर से खाद धर के लाया हूँ। ये देखो खाद दिख रहा है आपको। तो घर से मैं खाद धर लाया, अब मैं ले जा रहा हूँ खेत की तरफ। तो मैं पहले ले जा रहा हूँ साइकिल, लेकिन अब चढ़ूँगा साइकिल पर। काम से बाहर आया हूँ, पक्की सड़क भी है यहाँ पर। तो मैं खाद दिखाता हूँ, खाद लेके आया हूँ मैं पूरा कट्टा। हाँ सो गाइस, मैं खेत पर आ चुका हूँ, और खेत पर मैं अभी कट्टा मैं नीचे रखा हुआ है, उसमें सब मैं खाद निकालूंगा, बाल्टी में रखूँगा। खेत यहाँ से दूर है काफ़ी, तो मैं चांद पर ले जा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी है ना। तो इस वजह से पहले मैं बाल्टी में रखूँगा, उसके बाद मैं ले जाऊँगा खाद। ये देखो ये बाल्टी भर चुकी है, हमने एक बाल्टी तो भर ली। अब मैं उसको ले जा रहा हूँ खाद को, तो आपको दिख रहा होगा। देखो खाद कितना अच्छा लगता है ना, मतलब तो चीनी से जो खा जाए उसको सारा, लेकिन बहुत बेकार लिखता है। अब तो मैं इसको बाल्टी को ले जा रहा हूँ खेत की तरफ। तो गाइस मैंने सारा खाद लगा दिया है अपने खेत में, यानी गेहूँ में सारा खाद लगा दिया। और देखो बाल्टी और कट्टा इसमें रखा है, और जो खाली है खाली हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो प्लीज़ इसे वायरल कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो।